अनुज, आपने टर्मरिक का तो जिक्र किया, लेकिन अगर आप बाकी कमोडिटीज़ को देखेंगे स्पाइसेस में, तो कोरिएंडर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। ऑल दो तीनों में सबसे कम चला है ये स्टॉक, अगर ये कमोडिटी अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखें तो, जीरे पर और ख़ास तौर से कोरिएंडर, इन दोनों पर आपकी राय क्या है इन लेवल से? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम जो साइक्लोन है उसका इशू देख रहे हैं, तो उससे काफी हद तक प्राइस में सपोर्ट आया है। ऑलरेडी कोरिएंडर काफी लोअर लेवल्स पे था, हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो कोरिएंडर भी एक कमोडिटी हो सकता है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। तो करीबन 6,100 के आसपास इसमें खरीदारी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर 6,400 6,500 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे लग रहा है कि आगे भी शॉर्ट टर्म में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि अगर हम जीरे की बात करें तो कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस जीरा फेस कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो जीरे के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर जल्दी ही आपको 50,500 से लेकर 51,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में 48,000 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से रिकवरी देखी जा सकती है, जो 51,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है। ओके, चलिए, तो जीरे पर और साथ ही साथ धनिया पर ये स्ट्रैटेजी आपको दी गई है, धनिया में भी खरीदारी।